देर में इस बैग के अंदर का सामान मेरा परफेक्टली वर्क कर रहा है, स्पीडोमीटर भी आ रहा है, पेट्रोल भी आ रहा है। हमारे सर्विस सेंटर के सर्विस सेंटर वाले तो ये बोल रहे हैं कि पहले सर्विस कराओ फिर ही हम लगाएंगे, नहीं तो हम ऐसे नहीं देंगे। क्योंकि सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिल्वर ब्लॉग। आज का ऐसा सीन है कि जो हमारा क्रैश हुआ था जिसमें हमारा मीटर टूटा था, हमने उसका जुगाड़ कर लिया है। तो इसके बाद वाली क्लिप देखना, उसमें क्या जुगाड़ किया, कैसे किया, फ्री में एकदम हमारा काम हो गया। पहले मैंने शोरूम में ऑर्डर कर रखा था बट वो बहुत टाइम लगा रहा था आने में, तो मुझे एक चीज़ मिली। एक दोस्त मेरा जो मेरा सब्सक्राइबर था उसने मुझे चीज़ प्रोवाइड करी जो अब मैं बाइक पे लगा दूंगा, उससे मेरा मीटर एकदम ठीक हो जाएगा। तो चलते हैं फटाफट मीटर लगाते हैं अपना। फिलहाल हमने एक्सीडेंट के बाद मीटर का ये जुगाड़ कराया कि पानी वगैरह ना जाए, पन्नी चटा के टेप लगा के। तो अब मैंने एक जुगाड़ कर लिया है इसका भी, जो लास्ट टूटा हुआ था। तो मैं बताता हूँ, अभी रूम पे जाके, अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ, इसी काम से गया था मैं बाहर, तो वो काम हो चुका है। दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में, इस बैग के अंदर सामान हमारे यहाँ लग जाएगा। कह रहा था मैंने इसका जुगाड़ लिया हूँ, तो इसका जुगाड़ है ये किसी के पुरानी बाइक का मीटर है, तो जिसका ये है मैं उसकी इंस्टा आईडी नीचे दे दूँगा। मेरा सब्सक्राइबर है भाई जैसा है, तो उसने मुझे ये दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। बस इसका ये बटन ही है, तो इसके बटन की जगह मैं इसका बटन लगा दूँगा और इसे यहाँ लगा दूँगा कवर निकाल के। मीटर तो ख़राब है, तो ये खुल जाएगा यहाँ से, स्क्रू वगैरह होंगे इसमें, देखते हैं कि कैसे खुलेगा। तो इसे ही लेने गया था मैं अभी अभी बज रहा है 8:30 बज रहा है, तो इसी लेने मुझे जाना पड़ा इमरजेंसी में। तो क्योंकि इसे खोलना भी और कल लगा दूँगा, क्योंकि ज़्यादा दिन तक मैं ऐसे रख नहीं सकता, बाई चांस पानी वगैरह चल जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। तो इसे खोल के देखते हैं फटाफट। तो मैं इसे खोलने बैठ गया हूँ, ये रहा मेरा स्क्रू ड्राइवर, और 1, 2, 3, 4, 5 स्क्रू खोल लें इसके, इसके स्क्रू खोलता हूँ। तो फिलहाल सारा मीटर खुल चुका है, बस एक ये पता नहीं क्या क्या है इस मीटर में, और ये दो पार्ट लगेंगे बेसिकली मेरे उसमें। तो आयुष भाई ने बहुत हेल्प करी हमारी, अपना पुराना जो मीटर था वो हमें दे दिया, जिससे हमारा फ्री में काम हो गया ग्लास का। नहीं तो वो शोरूम में अप्रॉक्स 400-500 रुपये का ही, वैसे ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बट जब फ्री में काम हो रहा हो तो पैसे देने का मन किसका करता है। नेक्स्ट डे तो फिलहाल यहाँ चल रही है मोटर, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होगी। तो अब इसका हेड खोलते हैं, मीटर का जो मैंने जुगाड़ करा उसे सही करते हैं, और ये पड़ा है वो मीटर, तो उसे यहाँ लगा देंगे, इससे हमारा काम एकदम बढ़िया हो जाएगा। तो 3-4 नट होते हैं उन्हें खोलते हैं। तो फिलहाल मीटर खुल चुका है, अब यहाँ से 2-3 स्क्रू खोलने हैं जिससे मीटर भी निकल जाएगा हमारा। गंदा कितना सारा और वायरिंग इतनी सारी खुल रखी है, क्योंकि हैज़ार्ड वगैरह लग रखा है ना। बाकी ये है हमारी हेडलाइट, हमारा एक पार्ट टूटा हुआ है, बस यहीं पर से टूटा हुआ है, तो इस पर लगा हुआ है, ये यहीं पर कहीं पर रहता है, पता नहीं कहाँ पर रहता है, तो ये टूटा हुआ है बस, बाकी सब सही है। तो ये 3 नट मैं निकाल चुके हैं, मीटर आसानी से निकल जाएगा, बस अब इसकी वायरिंग निकालनी है ये वाली। तो वायरिंग इसकी निकाल चुकी है हमने, ये हमारा मीटर निकल गया, बस इसका ये प्लास्टिक वाला पार्ट टूटा हुआ है, बाकी तो एकदम परफेक्ट है। ये रहा हमारा मीटर, और जो हमने इसके ऊपर लगाना वो केस है ये वाला, तो ये वाला केस हम इसके ऊपर लगा देंगे, तो हमारा काम एकदम बढ़िया हो जाएगा। तो मेरा परफेक्टली वर्क कर रहा है, स्पीडोमीटर भी आ रहा है, पेट्रोल भी आ रहा है, सब आ रहा है। बाकी वो पुराना मीटर पड़ा हुआ है हमारा टूटा हुआ, बाकी देखते हैं अब लगाने के बाद कैसा लगता है। और जब ये टूटा रहेगा इसे मैं बाद में करवा दूंगा सही, फिलहाल अभी इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। मीटर एकदम परफेक्टली फिक्स हो चुका है, नट वगैरह टाइट कर चुके हैं हमने इसके। अब ये हेड इस पर लगाता हूँ मैं, चाबी बंद कर लेते हैं, कहीं पता चल रहा है बैटरी डाउन हो गई, तो अब इसे एकदम आराम से लगाएंगे। तो अब लगाने के बाद ही मिलते हैं, ज़्यादा कुछ दिखा नहीं रहा मैं इसमें, दिखाने लायक कुछ है नहीं ज़्यादा। पूरा लगा चुका था, उसके बाद हमें पता चला कि हमारा हो रहा है इंजन वाली वहाँ से ड्रेनेज होता है, उसका नट वहाँ से लीक हो रहा है। तो हम चलते अब सर्विस सेंटर से दिखाने के लिए क्या सीन हो चुका है, ऐसा क्यों लीक हो रहा है हमारा इंजन ऑयल, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। तो अब हम सर्विस सेंटर पहुँच चुके हैं, सीधा डालते हैं नीचे सर्विस सेंटर के अंदर। मैं जैसे ही मर गया तो वहाँ की बहुत ज़्यादा भीड़, क्योंकि आज है संडे और हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा कुछ नहीं पता भी हमें, तो मैं यहाँ पता करता हूँ, देखते हैं मिलता है नहीं मिलता। फिर इसके बाद एक बहुत अजीब सी बात हुई है, मैं बताऊँगा अभी आपको, मैंने ऐसे पहले किसी सर्विस सेंटर में फेस नहीं किया जैसे इस बार।
तो फिलहाल मैं हर जगह नट पूछ के आ चुका हूँ जहाँ से लीक हो रहा है, जो ड्रेनेज होता है इंजन ऑयल का, नट होता है जो ड्रेनेज का, वहाँ से लीक कर रहा है मेरा इंजन ऑयल। तो मैंने सर्विस सेंटर के सर्विस सेंटर वाले तो ये बोल रहे हैं कि पहले सर्विस कराओ फिर ही हम लगाएंगे, नहीं तो हम ऐसे नहीं देंगे, क्योंकि वो बहुत सस्ता पार्ट है इसलिए वो लगा नहीं रहे। अब मैंने बाहर भी पता करा तो बाहर अभी अवेलेबल नहीं है, तो कल तक मिल जाएगा मुझे, तो कल ही लगवा लूँगा मैं। बाकी यहाँ देखते कुछ रिएक्शन आते नहीं आते। रिएक्शन थोड़े बहुत रिएक्शन लेते हैं, लड़की खुश। भाई भी टेढ़ी एढ़ी आगे करके देख रहा था मैंने भी उसके भूख के सामने रोक दिया गाड़ी। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल खो।